नेता साध्वी प्राची ने कांग्रेस पर बोला हमला। देखिए मैं तो मंदिरों में जाती रहती हूँ, कोई नई बात नहीं है, कोई नई परंपरा नहीं, बचपन से क्योंकि साध्वी हूँ तो इसलिए मंदिरों में जाती रहती हूँ, जीवन आध्यात्मिक है। देश में सुख शांति हो, अमन चैन बने, हिंदुस्तान जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, मैंने बांके बिहारी जी से आज ये प्रेर की है, प्रार्थना की है। और देश के प्रधानमंत्री 2019 में नरेंद्र मोदी बने, उसके लिए मैंने मन्नत मांगी। हमीरपुर में एक महिला विधायक को मंदिर जाने पर रोक लगाई है, क्या कहिए? देखिए चाहे किसी महिला विधायक हो, चाहे कोई साधारण महिला हो, अगर कोई मंदिर जाती है और उस पर रोक लगाना, ये मैं समझती हूँ कि एक पोगापंथी चाल है। और ये जो पोगापंथी चाल है ये समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि देश आधुनिक देश है, साइंस का युग है, महिलाओं के प्रवेश पर आखिर रोक क्यों? महिला के पेट से पैदा हो रहे हो और महिलाओं को मंदिरों में नहीं जाने दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? इतना बड़ा अन्याय समाज में आखिर क्यों? किसी पुरुष के पेट से पैदा होके दिखाओ ना, अगर महिला को मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहे हो, महिला मंदिर में नहीं जाएगी, महिला भगवान के दर्शन नहीं करेगी, महिला किसी मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करेगी, उस पर प्रतिबंध लगाओगे, तो मैं समझती हूँ ये तो सरासर अन्याय है। हिम्मत है, अरे भगवान ने सूरज की रोशनी सबके लिए दी, हवा सबके लिए दी, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए दी है, पृथ्वी आकाश सबके लिए है ना, तो महिलाओं के साथ में इतना भेदभाव को, कहीं पर उनकी तलाक तलाक कह करके महिलाओं की जिंदगी तबाह कर देना, कहीं पर महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश ना करने देना, ये तो सरासर समाज में एक बहुत बड़ा अन्याय है। महिलाओं इसका विरोध होना चाहिए और निश्चित रूप से उन लोगों को सजा होनी चाहिए।